दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सीक्रेट बात जो मैंने अभी तक आपसे छुपा के रखी थी, और ये बात आप सभी को जाननी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे बाल अच्छे खासे लंबे थे और मैंने बॉय कट करवा लिए, तो ये मैंने ऐसे ही नहीं करवाए थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न था, और वो क्या था वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहले तो मैं आपसे क्लियर कर दूँ क्या कि सबसे बड़ा है जो इसमें रीज़न था वो यही था, YouTube के लिए ही मैंने हेयर कट करवाए थे। लेकिन क्यों करवाए थे, कैसे करवाए थे, कब करवाए थे, वह सब बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि दोस्तों, जो भी YouTube पे आता है सबका एक ही सपना होता है सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का, और मेरा भी एक छोटा सा यही सपना है कि मैं अच्छी सी यूट्यूबर बनूँ। और तकरीबन 2 साल मुझे हो चुके हैं YouTube पे आए हुए, और जब मैंने हेयर कट करवाए थे तब 1 साल हुआ था, लेकिन तब तक भी हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैं बहुत टेंशन में थी कि ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। और हो भी गया, कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इत्तफाक से ऐसे ही मजाक में ये वीडियो मैंने बनाई। ये वीडियो बहुत अच्छी खासी चल गई, और इसी वीडियो से मेरे माइंड में एक आइडिया आया इसी तरह की और वीडियो बनाने का, और मैंने क्या था यही किया मैंने। और इसके लिए मैंने कटवाए मेरे बाल, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसीलिए मैंने अपने हेयर कट करवा लिए। और इसके बाद मैंने शूट की पूरी वीडियो, जैसे कि हमने शादी की वीडियो बनाई थी मंदिर में शादी करने की, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल है सभी चीज़ें, हर एक चीज़ हमने उसमें दिखाई थी, फेरों की रस्म, सिंदूरदान की रस्म। और इत्तेफाक से वीडियो बहुत अच्छा बन गया था और चल भी बहुत अच्छा गया वो वीडियो। उस वीडियो में एक ही दिन में 1000 में व्यूज आ चुके थे, जो कि मेरे बाकी वीडियोस पे नहीं थे। मेरी वीडियोस पे 50-60 बस इतने ही व्यूज थे, और उस वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, और हम सोच रहे थे कि इस तरह की और भी वीडियो बनाए। एक दिन में वो वीडियो इतना अच्छा चल गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस वीडियो पे जो कमेंट थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिनको पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था, और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ वो गलत है। मैंने ये जो सफल होने का, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का जो रास्ता अपनाया है, शायद वो कहीं ना कहीं गलत ही है। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने वो वीडियो कर दी डिलीट। 2 दिन के अंदर ही मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब क्या था, मैं वापस से वहीं पर चली गई जहाँ से मैं चली थी YouTube को, चैनल को ग्रो करने के लिए। अब मैं वापस से वहीं पहुँच चुकी थी, वही 50-60 व्यूज, और मेरी टेंशन फिर से स्टार्ट। अब मैं सोच रही थी आगे क्या टॉपिक उठाऊँ, क्या करूँ जिससे कि चैनल ग्रो हो जाए। बहुत टेंशन में चली गई। पर क्या है ना, हम वीडियो डालना छोड़ नहीं सकते, आदत हो जाती है, YouTube की लत लग जाती है, जैसे मुझे लग चुकी है। कुछ फैमिली मेंबर्स ने भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था उस वीडियो पे। चलिए कोई बात नहीं, वो मेरी गलती थी जिसका मुझे एहसास हुआ और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि हमारे जो समाज में है उससे कुछ अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। एक लड़की से शादी की, बहुत अजीब सा संदेश मिल रहा था लोगों को, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो है जिसमें ऐसे ही दिखाते हैं लोग लड़की ने लड़की से शादी की, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह की वीडियो ना बनाए, इससे समाज में क्या है, अच्छा संदेश नहीं जाता। और ये बहुत गलत बात है कि हम अपनी सफलता के लिए पूरे समाज को ही गलत संदेश देते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं। तो गलत काम मत कीजिए, सही कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। भगवान ने आपके लिए जो भी सोचा हुआ है अच्छा ही सोचा होगा। तो चलिए वापस से मैटर पे आते हैं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी और मैं बैठ गई वैसे ही हाथ पे हाथ धर के। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, जो मेरी हेयर कट की वीडियो थी, मैंने हेयर कट करवाया था उस शादी की वीडियो को शूट करने के लिए, और वो वीडियो थोड़ी बहुत ही बनाई थी, जिसने भी बनाई हेयर कट की वीडियो थोड़ी शूट हुई थी,
जब मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हेयर कट की तो किसी ने रिक्वेस्ट की कि दीदी प्लीज फुल ब्लॉग डालिए, हेयर कट का फुल ब्लॉग डालिए। उस टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे हेयर कट की वीडियो भी चलती है, लेकिन भगवान ने जैसा हमारे लिए लिख रखा है होता तो वही है। मैंने उस लड़की की बात मानकर अपने हेयर कट की जितनी भी वीडियो थी सब एडिट करके वो डाल दी यूट्यूब पे। उस लड़की को मैं थैंक यू दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उसी की वजह से मैंने अपनी हेयर कट की बड़ी वीडियो डाली थी, लॉन्ग व्लॉग डाला था, नहीं तो मैं नहीं डालने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, टेंशन में थी उस टाइम में, इसीलिए मैं नहीं डालने वाली थी, लेकिन मैंने वो डाली और उस वीडियो पर व्यूज भी बहुत अच्छे आए। तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगी, अगेन थैंक यू बोलूंगी उस लड़की को। और तब से ही मेरी हेयर कट की वीडियो चलनी शुरू हो गई और फिर मैं इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू बना रही हूँ। मैं ये बात भी मानती हूँ मेरी वीडियोस पे मिलियन में व्यूज नहीं है, कोई बात नहीं है, चलता है, कभी तो हम भी सफल यूट्यूबर बनेंगे। बाकी जितने भी यूट्यूबर है गलत तरीके से अपनी वीडियोस पे व्यूज लाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज गलत टाइप मत, गलत गलत संदेश वाली वीडियो मत बनाइए। जैसे अभी विष्णु राज की बोल रहा है मेरी वाइफ भाग गई, वो भागी नहीं है, कहीं छुपा के रखी होगी, सिर्फ वीडियोस के व्यूज के लिए झूठ बोल रहे है। कोई बोल रहा है मेरा हस्बैंड भाग गया, कोई बोल रहा है मेरा हस्बैंड मर गया। ये जो बिहार टाइप के बिहारी ब्लॉगर है ना, ये ज्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमें जो सफलता मिलती है ना, अगर वो अच्छी चीजों से मिली हो तो ज्यादा खुशी होती है दिल को। और अभी जितने भी सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे थोड़े हो, चाहे मेरी वीडियोस पर व्यूज कम हो, मान लो वो वीडियो मेरी वायरल हो जाती, लेकिन उससे मुझे खुशी नहीं मिलने वाली थी जितनी खुशी मुझे अभी अपने कम व्यूज पर ही मिल रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी दोस्तों से, जितने भी सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहिएगा, कभी मिलियन में व्यूज हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए मैं इतने में ही खुश हूँ और आशा करती हूँ आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार और अपना लव ऐसे ही हमारी वीडियो पर और हमारे चैनल पर बना के रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी बात बता दी, मैंने हेयर कट क्यों करवाए थे और बाकी जो मेरे इतना ज़्यादा लुक चेंज हुआ है, इसका सारा श्रेय मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देती हूँ। क्योंकि जब मैंने हेयर कट करवाए थे मेरे हेयर फिर भी बहुत बड़े थे, बाद में जो मेरे सब्सक्राइबर थे मुझे सुझाव देते रहे, थोड़े और शॉर्ट करवाइए, ऐसे कर करके लुक चेंज होता गया। और सच में मुझे अब अपना ये वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इतने ही बाल रखती हूँ। मैंने पिछली साल अपने हेयर कट करवाए थे 1 नवंबर को, और अब 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, अब मैं हेयर को लंबे नहीं करती हूँ। और प्रे मंथ एवरी मंथ मुझे हेयर कट करवाती रहती हूँ, करवाने पड़ते हैं, बढ़ते बहुत है मेरे बाल। तो थैंक यू सो मच।